सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो Samsung Alt Z Live फीचर Samsung ने A51 और A71 में लॉन्च किया है और आपको दो नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक है क्विक स्विच और एक है कंटेंट सजेशन, जो कि काफ़ी यूज़फुल है और आपके सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो काफ़ी सारे यूजर्स पूछ रहे हैं कि Samsung के A सीरीज के और भी डिवाइसेस में Alt Z Live फीचर आएगा या फिर नहीं, Samsung के J सीरीज में आएगा या फिर नहीं, Samsung के M सीरीज में आएगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Samsung Alt Z Live जो फीचर है वो Samsung के इन सारे डिवाइसेस में आएगा या फिर नहीं, Samsung के A सीरीज, Samsung के M सीरीज, Samsung के J सीरीज में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, Samsung ने Alt Z Live फीचर Samsung के A51 और A71 में दिया है। Samsung ने सिक्योर फोल्डर में दो नए फीचर्स को ऐड किया है, एक है क्विक स्विच और एक है कंटेंट सजेशन। तो काफ़ी सारे यूजर्स पूछ रहे हैं कि Samsung के और भी डिवाइसेस में Samsung रोल आउट करेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, Samsung ने जब S20 सीरीज को लॉन्च किया था तो उसके साथ Samsung ने One UI 2.1 को लॉन्च किया था और One UI 2.1 में आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे Samsung की तरफ से। कैमरा में भी काफ़ी सारे नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे प्रो मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सिंगल टेक मोड हो गया और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। तो वो सिर्फ S20 सीरीज के साथ ही Samsung ने नहीं रखा, Samsung के S10 सीरीज में भी आया One UI 2.1 का फीचर, One UI 2.1 का अपडेट, Samsung के Note 10 सीरीज में भी आया, Samsung के A सीरीज में A51 और A71 में भी फीचर्स को रोल आउट किया गया और जो One UI 2.5 रिलीज किया गया है Samsung की तरफ से Samsung के Note 20 सीरीज में, वो भी Samsung जो है Samsung के S20 सीरीज, S10 सीरीज में और Samsung के Note 10 सीरीज और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस में रोल आउट करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि Samsung जो फीचर्स लॉन्च करता है वो Samsung सिर्फ उसी डिवाइस में रखता है, Samsung के और भी डिवाइसेस में Samsung रोल आउट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि Samsung Alt Z Live के फीचर के साथ भी होने वाला है, Samsung अपडेट्स के थ्रू और भी डिवाइसेस में रोल आउट करने वाला है जो फीचर है Alt Z Live, जिसमें आपको दो नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक है क्विक स्विच और एक है कंटेंट सजेशन, वो Samsung और भी डिवाइसेस में देने वाला है। तो अभी Samsung ने नहीं बताया है, कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि Samsung और भी डिवाइसेस में Alt Z Live का फीचर देगा, लेकिन हो सकता है Samsung Android 11 और One UI 3.0 का जब अपडेट आए तो Samsung इन बिल्ड ही आपको सिक्योर फोल्डर में Alt Z Live का फीचर इंक्लूड कर दे, जो कि जिन भी डिवाइसेस को Android 11 और One UI 3.0 का अपडेट मिलेगा उन सारे ही डिवाइसेस में आपको Alt Z Live का भी फीचर देखने को मिल जाए। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है Samsung Android 11 और One UI 3.0 में Samsung Alt Z Live का फीचर Samsung सिक्योर फोल्डर में ऐड कर दे, यानी आपको जिन भी डिवाइसेस में Android 11 का अपडेट मिलेगा उन सारे डिवाइसेस में आपको Alt Z Live का फीचर इनबिल्ड ही मिल जाएगा Android 11 में, क्योंकि Alt Z Live का फीचर Samsung ने सिर्फ A51 और A71 में ही दिया है। Samsung के और किसी भी डिवाइस में अभी तक Samsung ने Alt Z Live का फीचर नहीं दिया है। तो हो सकता है Samsung Android 11 और One UI 3.0 में ही आपको Alt Z Live का फीचर सिक्योर फोल्डर में ऐड कर दे, जो कि जिन भी डिवाइसेस को Android 11 का अपडेट मिलेगा उन सारे डिवाइसेस को Alt Z Live का भी फीचर मिल जाएगा। बाकी Samsung के A सीरीज डिवाइसेस में जिन भी डिवाइसेस को Android 11 का अपडेट मिलेगा या फिर M सीरीज के जिन भी डिवाइसेस को Android 11 का अपडेट मिलेगा उन सारे डिवाइसेस में हो सकता है कि आपको Alt Z Live का फीचर देखने को मिल जाए। बाकी J सीरीज में अब तो कोई भी फ्यूचर में मेजर अपडेट नहीं आएगा,
तो देखते हैं सैमसंग जे सीरीज में अल्ट्रा जी लाइफ का फीचर देगा या फिर नहीं। जे सीरीज के बारे में अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि आपको अल्ट्रा जी लाइफ का फीचर मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको ए सीरीज और एम सीरीज में जिन भी डिवाइसेस में एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिले उन सारे ही डिवाइसेस में आपको अल्ट्रा जी लाइफ का फीचर देखने को मिल जाए। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।